नमस्कार, मैं प्रिंस सोलंकी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल तेज निगाहें। आइए बात करते हैं आज की खास खबरों की। जनपद संबल के रजपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। 50 लाख के पान मसाला लूट व ड्राइवर समेत हेल्पर हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद संबल से देखें हमारी इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में ये तीनों साथी वही बदमाश हैं जिन पर 50 लाख की लूट का आरोप है। इन तीनों साथियों ने पान मसाला लूटने के बाद ट्रक चालक और हेल्पर की गला घोटकर हत्या कर दी थी और सबको सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग एक साल पहले हमारे जनपद संभल के अनूप शहर क्षेत्र में एक दो बॉडी मिली थी यहाँ पे, और उसके बाद उसका सिनाह किया गया तो पता चला कि वो एक ड्राइवर और क्लीनर की है, और तब से ये मुकदमा लिखा हुआ था। और इसके बारे में हमारी पूरी सर्विलांस टीम, हमारी जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, वो तमाम सुराग रसी पता रसी करके इस केस को आज अनावरण किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया पूरी जानकारी निकल के ये आई है कि 45 लाख का करीब पान मसाला उस ट्रक में, एक ट्रक में लदा था जो दादरी से चला। दादरी से चलने के बाद नोएडा से, वहाँ रास्ते में एक अल्टो गाड़ी से कुछ लोगों ने पीछा किया और उसके बाद उस गाड़ी को रोक लिया। रोकने के बाद उस गाड़ी में सवार हो गए और जो ड्राइवर क्लीनर थे उनको पीछे ही बांध करके डाल दिया। दो दिन तक ये माल खपाने के लिए जगह जगह घूमते रहे। उसके बाद तीसरे दिन ला करके संभल के क्षेत्र में इन लोगों ने उनकी हत्या करके दोनों की फेंक दिया और ट्रक वापस दिल्ली लेके चले गए। वहाँ पर इन लोगों ने माल को डंप कर दिया। बाद में उन लोगों ने इस माल को कहीं एडजस्ट कर दिया है और इसमें अभी तीन साथी जो इसके इस घटनाक्रम में शामिल थे वो पकड़े गए हैं, जिसमें एक योगेंद्र है, तकदीर है और जुगेंद्र है। ये तीनों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में उपयोग कार और तमंचे बरामद किए हैं। संदीप कुमार के साथ तेज निगाहें के लिए जनपद संबल से गजराम सिंह यादव की ये रिपोर्ट। तेज निगाहें के दर्शकों से अपील है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देना ना भूलें। अब दीजिए प्रिंस सोलंकी को इजाज़त। नमस्कार।